दोस्तों, अगर आपको 32 इंच स्क्रीन पर काम करना पसंद है, 32 इंच का पीसी चाहिए, अगर आपको ऑल इन वन जो कि पावरफुल पीसी हो, बिल्कुल लेटेस्ट हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, जिस पर जो है आप वीडियो एडिटिंग भी कर सके, ऑफिस के हैवी वर्क कर सके, जितने भी सॉफ्टवेयर कोरल ड्रॉ फोटोशॉप बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन आप चला सके, उस पर कोडिंग्स वगैरह सारा कुछ कर सके, उसके बावजूद भी उसका स्क्रीन साइज 32 इंच होना चाहिए, यानी कि बड़ी स्क्रीन चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट विंडोज 11 के साथ में आपको कोई ऑल इन वन पीसी चाहिए, तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। जबरदस्त पीसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसका डिटेल्स क्या है। तो सबसे पहला जो पीसी है वो है i5 के अंदर, स्क्रीन साइज वही 32 इंच ही है। प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो i5-12400T है, यानी कि 12th जनरेशन का इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर लगा हुआ है। और 12th जनरेशन का जो प्रोसेसर है, ये कमाल का परफॉर्मेंस दे रहा है, इस पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस निकल करके आ रहा है। 1.8 GHz बेस फ्रीक्वेंसी है, जिसको आप जो है 4.2 GHz तक टर्बो बूस्ट पर आप इसको यूज कर सकते हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। 18MB कैच के साथ में 6 Core 12 Threads का ये प्रोसेसर है, जो आपको मल्टीटास्किंग में जबरदस्त हेल्प करने वाला है। और 12th जनरेशन का जो प्रोसेसर है, ये कमाल का प्रोसेसर है, इसके बारे में मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाई हुई है, चाहे तो आप देख सकते हैं, जबरदस्त काम करता है। उसके बाद डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो एक्चुअल साइज इसका 31.5 इंच है, लेकिन जिसको हम 32 इंच के अंदर ही बात करते हैं, QHD डिस्प्ले है, यानी कि बहुत ही जबरदस्त आपको क्वालिटी मिलने वाली है, क्वांटम HD के साथ में आपको जो है, यानी कि इसका रेजोल्यूशन जो है 2560x1440 है, जो कि बहुत ही बेहतरीन आपको क्वालिटी देने वाला है। IPS पैनल के साथ में है, 3-sided बिल्कुल वेजल लेस जो है आपको इसके अंदर लुक्स मिल रहा है, जो कि बड़ा ही बेहतरीन आपके टेबल पर रखा हुआ लगने वाला है। ब्राइट व्यू की बात करें तो 350 nits इसका जो है ब्राइटनेस है, 99% RGB के साथ में आ रहा है, जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको जो है इसका डिस्प्ले आपको देने वाला है। मेमोरी एंड स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर 8GB का DDR4 3200 MHz वाली रैम लगी हुई है, और 512GB का M.2 NVMe SSD लगी हुई है। इसके अंदर एक्सपेंशन स्लॉट अवेलेबल है 2, जिसके अंदर NVMe M.2 एक और बढ़ा सकते हैं और एक VLAN बढ़ा सकते हैं। ये सारे इसके अंदर जो है अपग्रेडेशन के आपको चांस मिलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बिल्कुल, चूंकि मैंने बोला था कि ये लेटेस्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम स्टूडेंट वर्जन 2021 के साथ में आ रहा है, मैकेफे लाइफ टाइम फ्री के साथ में आ रहा है। नेटवर्किंग एंड ग्राफिक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर Wi-Fi 6 मिल रहा है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। सारे के सारे जो है आपको डिवाइसेस सपोर्ट करने वाले हैं, ब्लूटूथ 5 कॉम्बो मिल रहा है, और इसके साथ में जो ग्राफिक है वो UHD ग्राफिक 730 मिल रहा है, जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, यानी प्रीमियर प्रो वगैरह इस पर आप आसानी से चला सकते हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला जो है ये, और खास करके 32 इंच डिस्प्ले के साथ में, यानी कि बहुत बड़ी पीसी जो है आपको मिल रहा है, जिस पर आप मजे से काम कर सकते हैं। इस पर जो है आप कोई भी मल्टीटास्किंग वगैरह करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस देगा। अदर फीचर की अगर हम बात करें पोर्ट्स वगैरह की, तो एक जो है सुपर स्पीड USB टाइप सी मिल रहा है 5GBPS वाला, और उसके बाद जो है 2 इसके अंदर सुपर स्पीड टाइप ए 10GBPS वाला मिल रहा है, और उसके बाद जो है 1 सुपर स्पीड USB टाइप ए 5GBPS वाला मिल रहा है, और RJ45 मिल रहा है, ऑडियो बी एंड वो वाला मिल रहा है, 6 स्पीकर मिल रहा है इसके अंदर, जो कि बेहतरीन आपको ऑडियो परफॉर्मेंस देने वाले हैं, जबरदस्त मजा आने वाला है। 2 ट्विटर के साथ में 2 मिड रेंज के 2 बूफर इसके अंदर लगा हुआ है, यानी कि एक जबरदस्त आपको साउंड इसके अंदर देखने को मिलेगा। अलग से आपको जो है इसके अंदर बूफर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी सब कुछ मिलाकर के HP ने बहुत ही लाजवाब इसको जो है PC बनाया हुआ है। और इसके साथ में ही HP 710 ब्लैक कलर का ही आपको वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस मिल रहा है, यानी कि जो पूरा कंपैक्ट जो पैकेज है ये इतना बेहतरीन है कि क्या कहने के। आप अपने ऑफिस के लिए चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी काम करना चाहते हैं, तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से 32 इंच स्क्रीन के साथ में
बहुत ही बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आ रहा है। यह हमेशा 1,00,000 रुपए के आसपास में वैरी कर रहा होता है, फिलहाल इस टाइम में जो है 1,05,000 रुपए दिखा रहा है, लेकिन इस साइज के हिसाब से जो इस डिस्प्ले की जो क्वालिटी है उसके साथ में और 12th जनरेशन के साथ में जो इसका कन्फिग्रेशन है वो बिल्कुल इसको बर्थ कर रहा है। आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो। इसके बाद इसी के अंदर नेक्स्ट जो है यानी 32 इंच स्क्रीन साइज के अंदर ही थोड़ा सा और पावरफुल अगर आप लेना चाहते हैं तो i7 के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर i7-12700T प्रोसेसर लगा हुआ है, 1.4 GHz से लेकर के 4.7 GHz तक ये जाने वाला है और 25 MB कैच के साथ में 12 Core 20 Thread का जो है ये प्रोसेसर है, यानी कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। डिस्प्ले इसके अंदर ही लगा हुआ है जो आपने पिछले में देखा, डिस्प्ले बिल्कुल भी सेम है। साथ में इसके अंदर 16 GB का 3200 MHz वाला रैम के साथ में 8-8 GB का 2 स्टिक है, यानी कि इसके अंदर ड्यूल चैनल यूज हो रहा है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इसका बहुत ही हाई मिलने वाला है। 1 TB का इसके अंदर M.2 NVMe SSD मिलने वाला है, इसके अंदर भी 2 स्लॉट आपको खाली मिलेगा M.2 का, जिसके ऊपर आप जो है SSD आप और इंक्रीज कर सकते हैं, VLAN इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप उस पर और भी अपग्रेड फ्यूचर में कर पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर भी विंडोज 11 ही मिल रहा है, यानी कुल मिला जुला करके बाकी के जितने सारे कॉन्फ़िगरेशन है वो सब कुछ वही है जो पिछले में आपने देखा। ग्राफिक की बात करें तो अल्ट्रा HD ग्राफिक 770 मिल रहा है, जिसका परफॉर्मेंस आपको बहुत ही गजब मिलने वाले हैं। पोर्ट्स आपको सारे के सारे वही मिल रहे हैं जो आपने पिछले वाले में देखा, बस इसके अंदर और उसके अंदर क्या फर्क है पिछले वाले में, पहले वाले में जो है आपको i5 के साथ में 8 GB रैम के साथ में 512 GB SSD मिल रही है और इसके अंदर i7 12th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में आपको 16 GB का रैम और 1 TB का SSD मिल रहा है, जिसके वजह से इसका परफॉर्मेंस आपको बहुत ही हाई एंड मिलने वाला है, बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस इसका आपको देखने को मिलेगा। प्राइस वाइज अगर हम बात करें तो 1,30,000 से 1,35,000 के बीच में ये वैरी कर रहा होता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है और यूट्यूब स्टोर का भी मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट हैंड में आप देख रहे होंगे साइड में बॉक्स बना हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके जरूर देखें, प्राइस को जो है कंपैरिजन करें, हो सकता है आपको बेहतर प्राइस जो है यूट्यूब पर मिल जाए। कई बार जो है आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन से बेहतर प्राइस देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। 32 इंच के अंदर अगर आपको कोई भी PC ऑल इन वन चाहिए तो ये PC बिल्कुल आपके लिए हो सकता है, टेंशन फ्री रहेंगे, जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ ये मिल रहा है। और दोस्तों साथ ही साथ इसके अंदर जो कैमरा लगा हुआ है वो 5 MP का कैमरा लगा हुआ है, जो आपको वीडियो कॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है, क्योंकि लैपटॉप के अंदर अभी भी 720p का आपको कैमरा मिलता है जो कि जिसका परफॉर्मेंस आपको सही नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर 5 MP कैमरा होने की वजह से आपको वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। दोनों ही PC में 5 MP का कैमरा आपको मिल रहा है जो कि जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको देगा। वीडियो कॉलिंग करना चाहते हैं या फिर कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन 32 इंच स्क्रीन के साथ में ऑल इन वन का। वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं, अगर वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।